नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 5.1 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है, ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन का पहला भाग है, देखिए पहला भाग देख लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। देखिए इसमें क्या दिया है कि प्रथम एक किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, और अगर उसके बाद चलते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त चली गई किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। लिखा है इसमें प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया है। तो पता करना है कि क्या यह स्थिति AP है कि नहीं। तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं एक किलोमीटर का किराया, ठीक ना, कितना रुपया है, 15 रुपये, ठीक। और अगर फिर इसके बाद 2 किलोमीटर की बात करें तो 2 किलोमीटर का किराया, तो देखिए इस 2 किलोमीटर में अगर 2 किलोमीटर किसी को जाना हो तो कितना रुपया देगा। तो इसमें देखिए प्रथम 1 किलोमीटर का किराया तो ये 15 रुपये देगा, ठीक ना, और इसके बाद का जो 1 किलोमीटर और बचा उसका ये 8 रुपये देगा, ठीक। तो इसको कुल 2 किलोमीटर किराया 8, 15 और 8, तो ये हो गया 23 रुपया, ठीक ना। इसी प्रकार 3 किलोमीटर का निकालना हो तो लिखेंगे 3 किलोमीटर का किराया, इसमें क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर 15 रुपये और इसके बाद के 2 किलोमीटर का 8, 8 रुपये, ठीक ना। तो ये हो गया 31 रुपया, ठीक। और 1 किलोमीटर और निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर 4 किलोमीटर का किराया। तो 4 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का 15 रुपया, उसके बाद के 8, 8 और 8, तो हो गया 39 रुपया, ठीक ना। अब जो हमको प्राप्त हुआ उसका एक श्रेणी लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 15, फिर 23, 31 और 39, ठीक ना। इसी प्रकार ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो इसमें अगर हमको ये पता करना है कि ये AP है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम ना, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर क्या होता है, हर प्रत्येक अगले पद में से पहले पद को, उसके पहले के पद को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, D लिखाते हैं इसको, 23 माइनस 15 बराबर 8, ठीक ना। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 31 माइनस 23, तो यहाँ भी ये देखिए 8 आ रहा है, ठीक ना। और फिर इसमें देख लेते हैं इस वाले पद में, तो हो गया 39 माइनस 31 बराबर 8। देखिए सार्वंतर, प्रत्येक पद में सार्वंतर 8, 8 का आया, इसका मतलब ये दी गई संख्याओं की सूची एक AP है। तो लिखते हैं चूंकि सार्वंतर समान है, अतः या तो दी गई संख्याओं की सूची एक AP है, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला भाग हो गया। अब सेकंड भाग देखते हैं। इसमें देखिए इसमें सेकंड भाग दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसमें निकालना है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एपी में रहेगी या नहीं। तो देखिए हम लोग क्या करें, इसको प्रारंभिक लिखिए, बेलन का प्रारंभिक आयतन ज्ञात कर लिख लेते हैं पहले, ठीक ना। तो हम पहले इसमें 64 लीटर ले लेते हैं, ठीक ना। मान लिया 64 लीटर है, बेलन का प्रारंभिक आयतन 64 लीटर ले लिया। अब इसमें बोल रहा है कि पंप जो है इसका इसका जो भी आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए पहली बार में 64 का 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, तो 64 का 1/4 तो हो गया 16, मतलब 16 लीटर हवा ये पहली बार जब पंप करेगा तो बाहर निकाल देगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब उसमें बचेगा कितना इस बेलन में हवा, तो लिखेंगे 64 माइनस 16, ठीक ना, घटा देंगे तो ये आ गया 48 लीटर, ठीक ना। अब जैसे पहली बार पंप करेगा तो वो 16 लीटर हवा बाहर निकाल देगा, अब कितना बचा 48। तो इस 48 का फिर जब अगली बार पंप करेगा तो उसका 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देगा, तो 4 × 4, 4 × 8 ये हो गया 12 लीटर, मतलब जब दूसरी बार पंप करेगा तो 12 लीटर बाहर हवा निकाल देगा। तो 12 लीटर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा उसमें, ठीक ना, इस बेलन में कितनी हवा आप शेष बचेगी, तो ये हो गया 36 लीटर, ठीक ना, घटा दिया तो 36 लीटर। अब अगली तीसरी बार अगर पंप करेगा तो 36 का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, तो ये लेगा 4 × 36, मतलब 9 लीटर हवा फिर बाहर निकाल देगा। तो बचेगा कितना, लिखेंगे 36 − 9 = 6, 7, 27 लीटर आ गया, ठीक ना। तो बोला कि जो बेलन में हवा शेष बच रहा है क्या वो एपी में है कि नहीं, तो हमको जो ये प्राप्त हुआ है उसकी एक श्रृंखला लिख लेते हैं। लिखते हैं 64, 48, 36, 27, ठीक ना। तो अब हम इसका सार्वअंतर ज्ञात कर लेते हैं, सार्वअंतर, ठीक ना। तो सार्वअंतर क्या होता है, अगले पद में से पहले पद को जब माइनस करेंगे तो सार्वअंतर ज्ञात होता है। तो 48 − 64 करते हैं यहाँ पर, देखिए तो ये हो गया 48 − 64, ठीक ना। अब देखिए इसमें इसको प्रथम पद मान सकते हैं, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय और इसको चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जब एपी ज्ञात करनी होती है तो यहाँ पर लिखते हैं A2 − A1, ठीक ना। तो 48 − 64 घटाएंगे तो कितना आएगा −16, ठीक ना। फिर A3 − A2 करेंगे, A3 − A2 = 36 − 48, इसको घटा के लिख लेते हैं 48 − 36, ये आया −12 लीटर, 12 आया। फिर A4 − A3 = 27 − 36, ये हो गया 9 लीटर, मतलब −9 आया। देखिए सार्वअंतर समान नहीं है, ठीक ना, तो लिखेंगे सार्वअंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, ठीक ना, तो ये नहीं है। तो ये दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग देखते हैं। अब देखिए तीसरा भाग में है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाती है, ठीक ना। एक कुआं की खुदाई है,
अगर इसमें 1 मीटर पहला पहला 1 मीटर खोदते हैं तो 150 रुपया होता है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर जितना भी खोदेंगे उसका 50 रुपया बढ़ता जाएगा, ठीक ना। मतलब पहले मीटर का खुदाई का केवल 150 रुपया है, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई का 50 50 रुपया बढ़ते चला जाएगा, ठीक ना। तो लिखते हैं इसी को थर्ड नंबर, देखते हैं 1 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 150 रुपया, फिर 2 मीटर खुदाई की लागत, तो खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी इसकी, देखिए ये पहले मीटर का खुदाई का 150 रुपया और उसके बाद का 50 रुपया, तो कुल 200 रुपया हो गया। मतलब अगर दो मीटर की खुदाई करनी हो तो उसमें 150 रुपया प्रथम मीटर की खुदाई का, उसके बाद के 1 मीटर का 50 रुपया, ठीक ना। तो ये दो है, तो दो का मतलब पहले 1 मीटर और पहला दूसरा मीटर, तो इसका 150 रुपया हो गया और इसका 50 रुपया हो गया। इसी प्रकार 3 मीटर की खुदाई का लागत कितना हो जाएगा, खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी। इसमें देखिए पहले मीटर की खुदाई की लागत तो 150 रुपया है, उसके बाद जितना भी मीटर खुदाई करेगा उसका 50 50 रुपया लगता है, तो ये बाद के 2 मीटर की खुदाई का 50 रुपया हो गया। इस हिसाब से कुल 150 200 250, तो ये 250 रुपया आया, ठीक ना। फिर एक और लिख लेते हैं, 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी लागत होगी, देखिए इसमें 4 मीटर है, अगर 4 मीटर खुदाई करनी हो तो देखिए पहले मीटर का 150 रुपया देना होगा, फिर इसके बाद का प्रत्येक मीटर की खुदाई का 50 50 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 मीटर की खुदाई हो गई। इसमें लिखेंगे 150 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50, तो ये हो गया 300 रुपया, ठीक ना। अब इसको इसकी एक श्रृंखला बना के लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 150, फिर 200, 250 और 300, तो 200, 250 और 300, ठीक ना। तो अब इसको चेक करेंगे क्या इसका सार्वअंतर समान है कि नहीं, तो इसको देखिए A1 पहला पद, A2 दूसरा और तीसरा और ये चौथा पद बना लिया। देखिए सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर तो लिखेंगे A2 - A1 बराबर 200 - 150, ये आया 50 रुपया, है ना, या 50 रुपये का अंतर आया। फिर लिखेंगे A3 - A2, ये हो गया 250 - 200, तो ये हो गया 50, ठीक ना। फिर A4 - A3 बराबर 300 - 250, तो ये हो गया 50। देखिए सब में सार्वअंतर समान आया है, ठीक ना। तो इसी को लिख लेते हैं, चूंकि सार्वअंतर समान है, ठीक ना, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, ठीक ना। तो ये हो गया तीसरा भाग हो गया, एक अंतिम भाग और बचा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए चौथा भाग लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, ठीक ना, मतलब खाते में जो भी पैसा है उसका मिश्रधन ज्ञात करना है कि क्या वो एपी में है या नहीं। इसमें लिखा है जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक ना। तो देखिए प्रारंभिक राशि ले लेते हैं, प्रारंभिक राशि कितने रुपए हैं, या प्रारंभिक राशि या पहले वर्ष में जो राशि है, तो लिखेंगे 10,000 रुपया,
ठीक ना, तो 10,000 रुपया से शुरू हुआ है। तो देखिए एक वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी, देखिए एक वर्ष बाद इसमें 8% का ब्याज भी लगेगा, ठीक ना। तो जो भी इसका 8% का ब्याज होगा वो उसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए ये पहले वर्ष के लिए मूलधन है, ठीक ना। तो इसमें 8% निकाल लेते हैं, कितना हुआ इसका, तो 10,000 × 8/100 है ना, 8% ब्याज है इसमें, तो 8% कितना है, तो 8 निकाल 1010, ये दोनों कैंसिल, तो हुआ 800 रुपया। मतलब अगर ये 10,000 रुपया खाते में है तो 1 साल के बाद इस पर 800 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो एक वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो इसमें जोड़ देंगे 10,000 + 800, तो ये हो गया 10,800 रुपया हो गया, ठीक ना। अब ये एक वर्ष के बाद जो ये 10,800 रुपया हुआ, अब इस पर ब्याज मिलेगा 8% का, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है। तो अब ये अगले वर्ष के लिए ये मूलधन का काम करेगा, ठीक ना। तो ये मूलधन हो गया, तो लिखेंगे 2 वर्ष बाद राशि। तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि जाएगी, तो इस पर हम 8% निकाल लेते हैं, तो 10,800 × 8/100, 1010 दोनों कैंसिल हो गया, बचा 108 × 8, तो लिखेंगे 8 × 2 = 64, 8 × 1 = 8, मतलब इस पर फिर 864 रुपया का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 10,800 + 864, तो 1-2 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी, ये हो गया 6, 4 और 8, 8, 16 और ये 1, मतलब 11,664 रुपये प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार ये राशि बढ़ती चली जाएगी, तो इसकी एक श्रृंखला प्राप्त हो गई। देखिए यहाँ ये और ये, तो इसको एक श्रृंखला के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 10,000, फिर 10,800 और 11,664, ठीक ना। अब इसका सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखते हैं इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 और इसको A3, ठीक ना। प्रथम तीन पद श्रृंखला के हैं, तो इसमें लिखेंगे सारवंतर। सारवंतर होता है A2 - A1, तो 10,800 - 10,000, तो ये तो हो गया 800 आ गया। फिर A3 - A2, 11,664 - 10,800, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, 64 + 8 = 16 = 1, ठीक ना। ये हो गया 864 रुपये आ गया। तो देखिए यहाँ 800 है, यहाँ 864 है, सार्वंतर समान नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है, ठीक ना। तो ये AP नहीं हुआ, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं, ठीक ना। A और D दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला, इसमें लिखा है A = 10 और D = 10, तो इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो 4 पद देखते हैं। देखिए ये पहला पद A1, तो पहला पद A1 A के बराबर ही होता है, ठीक ना। तो A कितना है, 10, तो ये 10 लिख लिया, ठीक ना। A1 प्रथम पद, तो प्रथम पद A, ठीक ना, इसको प्रथम पद बोलते हैं, ठीक ना। तो ये A = A1 = A = 10 हो गया। दूसरा पद ज्ञात करेंगे A2, देखिए A2 दूसरा पद, तो इसको लिखते हैं A + D,
ठीक ना। देखिए कैसे आता है ये, देखिए इसको हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए ये यनवा पद का मानक समीकरण है, ए प्लस ये देखा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक ना। अगर प्रथम पद ज्ञात करना हो, देखिए एन बराबर एक, प्रथम पद ज्ञात करना हो तो जहां एन है वहां एक रख देते हैं। तो देखिए ये आ गया ए वन, ठीक ना, यहाँ एन के स्थान पर वन रख दिया, फिर ए प्लस यहाँ वन रखेंगे तो वन माइनस वन डी, तो हो गया ए प्लस वन में से वन गया जीरो डी, है ना, वन में से वन गया जीरो, तो हो गया ए वन। तो ए वन कितना आया, ये जीरो का मतलब ये पद हट गया, तो ए वन बराबर ए प्राप्त हुआ, ठीक ना, ये रहा ए वन बराबर ए प्राप्त हुआ। फिर अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो दूसरा पद में एन का मान दो रखेंगे, तो यहाँ ए टू रख देंगे, ए टू प्लस बराबर ए प्लस यहाँ टू माइनस वन डी, तो ये हो गया ए प्लस टू में से वन गया वन, है ना, तो ये हो गया ए टू। अगर तीसरा पद ज्ञात करना हो तो एन बराबर तीन रख देंगे, तो देखिए ए थ्री बराबर ए प्लस थ्री माइनस वन डी, तो ये प्राप्त हो गया ए प्लस टू डी, ठीक ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी भी एनवा पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। ए थ्री हो गया, अगर एक ए अगर एन का मान चौथा पद अगर ज्ञात करना हो तो एन बराबर चार रख देंगे, तो ये जाएगा ए फोर बराबर ए प्लस फोर माइनस वन डी, तो हो गया ए प्लस थ्री डी, ठीक ना, तो ये चौथा पद आ गया। अब देखिए इसमें ये तो हो गया, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, अगर मैं चौथा पद ज्ञात कर रहा हूँ, देखिए क्या आया ए प्लस थ्री डी, मतलब चौथा पद ज्ञात करना हो तो एक कम डी लिखेंगे, चार है तो तीन आएगा, ठीक ना, फिर तीन है तो देखिए टू आया, ठीक ना। तो कभी भी तीसरा पद ज्ञात करना हो ए प्लस टू डी, मतलब एक कम डी लिखेंगे, तीन में से एक कम तो दो डी, ठीक ना, टू लिखेंगे तो देखिए वन डी आया है, है ना, तो डी आया, वन लिखा या जीरो डी आ गया, मतलब डी गायब हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिखेंगे। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे पच्चीसवां पद लिखना हो तो देखिए ए पच्चीस बराबर ए प्लस एक कम डी, है ना, तो चौबीस डी लिख देंगे, तो ये ऐसे ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं, इसका मान रख लेते हैं, ए का मान कितना है दस और डी का मान कितना है दस, तो दस दस बीस, देखिए दूसरा पद आ गया बीस, फिर ए थ्री निकाल लेते हैं, देखिए थ्री है तो टू डी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, ए प्लस टू डी, एक कम डी लिखते हैं तो ए प्लस टू डी, तो ए का मान दस और डी का मान भी दस है, तो हो गया दस प्लस दस दूनी बीस, बीस दस तीस। इसी प्रकार चौथा पद ज्ञात करेंगे तो फोर है तो थ्री डी निकालेंगे, ए प्लस थ्री डी, तो ए का मान 10 और डी का मान भी यहाँ 10 ही है, तो हो गया 10 प्लस 10 यानी 30, 30 10 40। तो देखिए शुरू के चार पद ये ज्ञात हो गए, तो शुरू के चार पद आ गए, तो लिख देते हैं यहाँ पर 10 20 30 ये 40, ठीक ना, तो ये चार पद प्राप्त हो गए। लिखेंगे एपी के प्रथम चार पद, ये हो गया उत्तर, ठीक ना। अब इसका सेकंड भाग देख लेते हैं, दूसरे भाग में दिया है a बराबर माइनस टू और d बराबर शून्य है, तो इसमें पहला पद हो जाएगा a1 बराबर a हो जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर माइनस टू, ठीक, फिर a2 लिखेंगे तो a2 बराबर a प्लस डी, तो ए का मान कितना है माइनस टू और डी का मान शून्य, तो इसका आ गया माइनस टू ही आ गया। फिर ए थ्री, ए थ्री कितना हो जाएगा ए प्लस टू डी, थ्री है तो एक कम डी रहता है तो टू डी हो गया, ये हो गया ए का मान माइनस टू प्लस दो गुणे डी का मान शून्य है, तो ये जीरो ही हो जाएगा, किसी भी संख्या में जीरो गुणा होगा तो जीरो हो जाता है, ये हो गया माइनस टू प्लस जीरो बराबर माइनस टू,
और ए फोर चौथा पद हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, तो ए का मान माइनस टू और थ्री डी का मान भी शून्य है, तो माइनस टू प्लस शून्य तो हो गया माइनस टू। तो लिखेंगे एपी के प्रथम चार पद, देखिए क्या क्या आया, माइनस टू ये आया है, लिखेंगे माइनस टू माइनस टू माइनस टू और माइनस टू, तो हो गया दूसरा भाग। तीसरा भाग में है a बराबर चार और d बराबर माइनस तीन, तो इसमें पहला पद ए वन बराबर ए बराबर ये चार प्राप्त हो गया, ए टू बराबर ए प्लस डी, तो ए का मान चार और डी का मान माइनस तीन, तो चार में तीन गया एक, फिर ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी, ए का मान चार, तो दो गुणे डी का मान कितना है माइनस तीन, तो माइनस तीन लिख देते हैं, ये हो गया चार और तीन दूनी छः माइनस छः, चार में छः गया माइनस दो। इसी प्रकार चौथा पद ए फोर बराबर ए प्लस थ्री डी, तो ए का मान कितना है चार और डी का मान माइनस तीन, ये हो गया चार और तीन त्रिकाई नौ, तो चार में से नौ घटाएंगे तो माइनस में आएगा पाँच, ठीक ना। तो ये प्रथम चार पद ज्ञात हो गया, तो लिखेंगे एपी के प्रथम चार पद, प्रथम चार पद क्या क्या हैं, चार एक माइनस दो और माइनस पाँच। अब चौथा भाग देखते हैं इसका, चौथा भाग में दिया a बराबर माइनस एक और d बराबर एक बटे दो, ए वन बराबर कितना हुआ a, तो a कितना दिया है माइनस वन, ए टू कितना है a प्लस डी, ए का मान माइनस वन रख लेते हैं और d का मान एक बटे दो, इसको हल कर लेंगे तो दो एक कम दो प्लस एक अब पूरे के बटे दो हो गया, तो दो माइनस दो प्लस एक तो आएगा माइनस एक बटे दो, ठीक ना। एक माइनस एक प्लस कहीं लिखा हो तो दो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, तो दो में से एक गया एक और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह होने कारण माइनस लगा दिया। फिर ए थ्री ये होता a प्लस टू डी, तो a का मान कितना है माइनस वन प्लस दो गुणे डी का मान एक बटे दो, देखिए दो एक कम दो, दो एक कम दो कट गया, माइनस एक प्लस एक एक कम एक, एक में एक गया शून्य। चौथा पद देखिए a प्लस थ्री डी, तो a का मान माइनस एक और d का मान एक बटे दो, ये हो गया माइनस एक प्लस तीन बटे दो। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया, यहाँ नोट कर लेते हैं, तो ये जाएगा देखिए दो एक कम दो माइनस दो प्लस तीन बटे दो, देखिए तीन में से दो गया एक बटे दो, ठीक ना। तो चार पद आ गया, तो लिखते हैं एपी के प्रथम चार पद, प्रथम चार पद तो हो गया क्या माइनस वन माइनस एक बटे दो शून्य और एक बटे दो। इसी प्रकार एक अंतिम भाग दिया है पांचवा, लिखा है a बराबर माइनस एक दशमलव दो पाँच और d बराबर माइनस जीरो दशमलव दो पाँच, ठीक ना। तो इसमें प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं,
ए वन बराबर ए बराबर माइनस 1.25, फिर ए टू बराबर ए प्लस डी, तो ए प्लस डी है ए का मान माइनस 1.25 प्लस डी का मान -0.25। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1.25 माइनस 0.25। देखिए माइनस माइनस है तो माइनस और अंक जुड़ जाता है, इसको जोड़ेंगे तो 1.50 आएगा। फिर A3 आ गया, A प्लस 2D, A का मान माइनस 1.25 प्लस 2 × D का मान -0.25। माइनस 1.25 प्लस इसका 2 गुणा कर लेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.50, ठीक ना, 25 × 50। अब इसको जोड़ लेंगे तो माइनस 1.25 माइनस 0.50, इनको माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा तो ये हो गया। देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं, देखिए 1.25 0.50, इसको ऐसे ही जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 7 1, ठीक ना, तो -1.75। फिर A4 देखिए, A+3D, तो ये कितना है, -1.25 प्लस 3 × D का मान -0.25, हो गया -1.25 और इसका गुणा करेंगे तो 25 × 3 = 75, -0.75। अब इनको जोड़ लीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो 25 × 75, ये हो गया -2.0, ठीक ना। तो 4 पद आ गए तो इसी को लिख लेते हैं, एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या आया, -1.25 -1.50 और -1.75 और -0.2। तो ये प्रथम 4 पद ज्ञात हो गया, पहला प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अब। ये प्रश्न 3 में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वान्तर लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 का पहला, पहले में लिखा है 3 1 -1 -3, ठीक ना। तो इसका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद ए है, ए बराबर 3 और सार्वान्तर, इसको प्रथम पद लिखते हैं, ठीक ना, और ये सार्वान्तर। सार्वान्तर ज्ञात करने के लिए किसी भी अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो सार्वान्तर ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको इसमें से दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो डी बराबर 1 - 3, तो 1 में 3 गया -2, इस प्रकार इसका सार्वान्तर ज्ञात हो गया। दूसरा भाग देखते हैं, -5 -1 3 और 7, ठीक ना। तो इसका प्रथम पद, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं तो ए लिख ले रहे हैं, ए है प्रथम पद, तो -5, डी बराबर सार्वान्तर बराबर -1 में से -5 को घटा देंगे तो -1 - और ये -5, ठीक ना, ये माइनस माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस लगा, और ये -5 है इसलिए इसको लिखा है, -1 + 5, 2 माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब देखिए 5 में से 1 गया 4, ठीक ना, तो ये सार्वान्तर ज्ञात हो गया। थर्ड भाग देख लेते हैं इसका, तीसरा भाग में क्या लिखा है, 1/3 5/3 9/3 और 13/3, तो इसमें पहला पद ए बराबर ए रहा, पहला पद ही है 1/3 और डी बराबर कितना है 5/3 -1/3। हम इसमें से भी इसको घटाएंगे तब भी सार्वान्तर आएगा, ठीक ना। तो ये हो गया 3, हर बराबर है तो एक बार 3 लघुत्तम हो गया, 5 - 1, ठीक ना, जब हर बराबर हो तो ऊपर वाला 5 - 1 जो ऊपर है उसको लिख लेते हैं, 5 में से 1 गया 4/3,
तीन, तो सार्वंतर 4/3 हो गया। इसमें एक अंतिम प्रश्न दिया है चौथा, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ठीक ना। तो ये प्रथम पद a बराबर 0.6, ठीक ना, और सार्वंतर d बराबर 1.7 माइनस 0.6, ठीक ना। पहले अगले पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो ये हो गया 1.1, तो ये सार्वंतर ज्ञात हो गया।